तो ध्यान रखना प्यारे भक्तों, माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। रामायण हमें ये सिखाती है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता की, अपनी माता की आज्ञा को किस तरह से पालन किया। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, एक परिवार ऐसा था कि जिस परिवार में माता पिता, उनके दो लड़के थे, माता पिता दोनों टीचर थे, तो घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो अपने दोनों लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। एक को प्यारे भक्तों, एक लड़के को अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए, और एक को और कहीं विदेश में भेज दिया। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, बच्चों को प्यार करो, मैं ये नहीं कहती हूँ बच्चों को प्यार मत करो, लेकिन कभी इतना पैसा मत देना जो कि बच्चे पैसे से बिगड़ जाए। और आज की औलाद को अगर तुम पैसे दोगे तो प्यारे भक्तों ध्यान देना, जब वो बड़े हो जाएंगे तो पैसे के लिए ही भटकते रहेंगे। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो एटीएमों को तोड़ेंगे, बैंक को तोड़ेंगे, और जाकर के कहीं लूट करेंगे, कहीं पाट करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, आपके नाम को बदनाम करके रख देंगे। तो जब दोनों विदेश में पढ़ने लगे, इधर माता पिता दोनों जिस समय रिटायर हो जाते हैं तो बड़ा उन्हें फंड भी मिला, बहुत पैसा मिला। और जब पैसा मिला तो बुढ़ापा आ गया तब तक माता और पिता के ऊपर। तो माँ ने अपने छोटे वेश्या से फोन किया, बेटा अरे अब तो तेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, पैसा भी बहुत है, अब तू वापस घर आ जा। तो छोटे वाले बेटा ने कह दिया कि माँ मैं उतना पैसा वहां नहीं कमा सकता जितना पैसा यहाँ कमा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारे लिए एक नौकर रख दूंगा और उसका पैसा तुम देते रहना। छोटे वाले ने मना कर दिया, बड़े वाले से कहा तो बड़े वाले ने भी यही बात कह दी। एक दिन ऐसा हुआ प्यारे भक्तों कि उस पिता की बात जब नहीं मानी बेटों ने और ना ही माँ की मानी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बेटों के प्यार में इतनी खोई हुई थी वो माँ कि आज उन्हें फाइल्स मार गया। और जब फाइल्स मार गया तो उनका पति ही उनकी सेवा करने लगा। एक दिन उनका पति जो था उनको भी अटैक पड़ गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो जाती है प्यारे भक्तों, इधर वो फाइल्स की मरीज थी, हाथों से कुछ कर नहीं पाती थी, जबान से भी बोल नहीं पाती थी, पैरों से भी चल नहीं पाती थी। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो देखा है माने कि हमारे पति वैसे तो 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज इतने लेट कैसे हो गए। प्यारे भक्तों जैसे तैसे करके वो अपने पति के पास में गई, जा करके उसने चादर को हटाया है तो पति तो मर चुका था। अपने पति की लहस पर बिलकती रही, लेकिन ध्यान रखना प्यारे भक्तों अंदर से कुंडी बंद थी, कोई वहां जा भी नहीं सकता था। पति की लहस पर बिलाप कर रही है, रो रही है, रोते रोते ये हुआ कि आज उस माँ की भी मृत्यु हो गई। और जब माँ की मृत्यु हो गई, जब दिन आधा व्यतीत हो गया, जब गेट नहीं खुले तो गांव वालों को शंका हुई, तो गेट जैसे ही तोड़ा तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। बेटों के लिए फोन किया और बेटों से एक शब्द कहा है कि आज तुम अपने माता पिता की सेवा करने नहीं आई, क्योंकि इनके ऊपर बुढ़ापा था और आज दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे बेटा तो ना हो तो ठीक है, क्योंकि जिस बेटा को माता पिता का दर्द ही समझ नहीं आता है वो बेटा नहीं, वो तो कायर है। और आज प्यारे भक्तों दोनों माता पिता की आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन वो बेटा इतने कायर निकले, इतने पैसा के लालची निकले कि उन्होंने आज माता पिता के वचनों पर ध्यान नहीं दिया और दोनों माता और पिता की मृत्यु हो जाती है। सभी से कहना है प्यारे भक्तों, माँ बाप से बढ़कर की ये धन दौलत कुछ भी नहीं है। कि माँ बाप से बढ़कर जग कोई दूजा नहीं खजाना।
सिखाती है कि माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए।